नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, अगर आप सभी को इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप करना और मैं आप सभी को इस वीडियो के नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज हम जो है बात करने वाले हैं ई कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, इसके मीनिंग के बारे में, इसके इशेंशियल्स के बारे में, इसके अंदर कितनी पार्टीज होती हैं, इसके कितने टाइप्स हैं, एंड द डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट एंड ए ई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम जो है आज बात करने जा रहे हैं। मीनिंग ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिन्हें हम एक या एक से ज़्यादा इंडिविजुअल के बीच में जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स किया जाता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट एक इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा किया जाता है, इसलिए हम इन्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा किए जाते हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन के द्वारा किए जाते हैं, सच एज इंटरनेट। ई कॉन्ट्रैक्ट्स आर पेपरलेस एज वेल एज टाइम सेविंग एंड ड्राफ्टेड डिजिटली। एग्जाम्पल, when we buy something from an e-commerce website like Amazon, Flipkart, etc. friends, electronic contracts के अंदर एक बहुत ही important चीज है, section 10A of IT Act 2008 gives legislative authority to e-contracts. guys, e-contracts के अंदर दो तरीके की parties होती हैं, originator and addressee. ओरिजिनेटर वे बंदा होता है जो कि प्रपोजल भेजता है, और एड्रेस ही वे बंदा होता है जो कि प्रपोजल को रिसीव करता है, एक्सेप्ट करता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इशेंशियल्स की ई कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। तो इशेंशियल्स, पहला इशेंशियल ये है, दे मस्ट बी प्रपोजल, एक प्रपोजल होना चाहिए। तो प्रपोजल है तो एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। सो सेकेंड पॉइंट है, देयर मस्ट बी ए एक्सेप्टेंस। थर्ड पॉइंट है, लीगल कंसिडरेशन होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट की। फोर्थ पॉइंट, पार्टीज मस्ट बी एबल टू कॉन्ट्रैक्ट। जो पार्टीज हैं वे मेजर होनी चाहिए, मतलब 18+, साथ ही साथ साउंड माइंड की भी होनी चाहिए। फ्री कंसेंट बाय द पार्टीज, दोनों ही पार्टी फ्री कंसेंट से जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रही हों, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव ना हो, इसे हम फ्री कंसेंट कहते हैं, जो कि होनी चाहिए। और सिक्स पॉइंट है, लॉफुल ऑब्जेक्ट, एक लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ए ने बी को कहा कि तुम सी को मार दो और ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, क्योंकि किलिंग इज़ नॉट ए लॉफुल ऑब्जेक्ट। एक लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसे ही हम ई कॉन्ट्रैक्ट्स मानेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। इसके अंदर दो टाइप्स हैं, मेन टाइप्स और अदर टाइप्स। मेन टाइप्स के अंदर तीन टाइप्स हैं और अदर टाइप्स के अंदर दो टाइप्स हैं। तो फर्स्ट मेन टाइप, श्रिंक व्रैप कॉन्ट्रैक्ट्स। सेकंड, क्लिक व्रैप कॉन्ट्रैक्ट्स। थर्ड, ब्राउजर व्रैप कॉन्ट्रैक्ट्स। अदर टाइप्स के अंदर फोर्थ, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। एंड फिफ्थ, ईमेल कॉन्ट्रैक्ट्स। सो गाइज, अब हम बात कर लेते हैं श्रिंक व्रैप कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। श्रिंक व्रैप कॉन्ट्रैक्ट्स को समझने के लिए हम एक एग्जांपल से उसे समझते हैं। तो श्रिंक व्रैप कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर, मान लो ऑनलाइन हमने कोई भी सॉफ्टवेयर परचेज कर लिया, अगर हम उस सॉफ्टवेयर को एक बारी भी ओपन भी कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम उनकी सभी टर्म और कंडीशंस को मान रहे हैं, यही श्रिंक व्रैप कॉन्ट्रैक्ट्स होता है गाइज। सो नाउ गाइज, लेट्स टॉक अबाउट क्लिक व्रैप कॉन्ट्रैक्ट्स। क्लिक व्रैप कॉन्ट्रैक्ट्स एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं गाइज, जैसे कि हमने कोई सॉफ्टवेयर या फिर कोई गेम वगैरह इंस्टॉल करते हैं, तो उससे पहले हमें जो वे सॉफ्टवेयर या जो गेम होता है वे कुछ हमसे परमिशन मांगता है, जैसे आई एक्सेप्ट और ओके पे ऊपर क्लिक करते हैं तभी नेक्स्ट हो पाता है। तो उसका मतलब है हम उनकी कंडीशंस और उनके कॉन्ट्रैक्ट को हम मान रहे हैं, इन्हें हम क्लिक व्रैप कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। सो गाइज, नाउ टॉक अबाउट ब्राउजर व्रैप कॉन्ट्रैक्ट्स। ब्राउजर व्रैप कॉन्ट्रैक्ट्स भी गाइज एक तरीके से क्लिक व्रैप कॉन्ट्रैक्ट्स के जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बस इसमें इतना अंतर होता है कि ब्राउजर व्रैप कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एक अलग पेज जो है पॉपअप होता है, जिसके ऊपर हमें कंडीशंस और टर्म्स को जो है एक्सेप्ट करना होता है, बस इतना ही अंतर है ब्राउजर व्रैप कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर क्लिक व्रैप कॉन्ट्रैक्ट्स से।
इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज का मतलब है बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू एक्सचेंज करना। फॉर एग्जांपल, बी ने ए से 100 एलईडी खरीदी और बाय फैक्स, बाय मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीन्स उन्होंने उस बिल को एक्सचेंज कर दिया, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज कहते हैं। ईमेल कॉन्ट्रैक्ट्स। गाइस, जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ईमेल के थ्रू हो, मतलब एक तरीके से कोई भी बंदा एक ईमेल पे एक बंदे को ऑफर सेंड करता है और दूसरा बंदा उसे एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि किसके बेस के ऊपर हुआ है? ईमेल्स के बेस के ऊपर हुआ है, इसलिए इसे हम ईमेल कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्ट एंड ई कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच में क्या डिफरेंस है। फ्रेंड्स, जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो कि मतलब ऑर्डिनरी और नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसमें ट्रेडिशनल सिग्नेचर होते हैं, मतलब पेपर के ऊपर सिग्नेचर होते हैं, और ई कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं, जो कि मोबाइल के ऊपर ही हम सिग्नेचर कर देते हैं इन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। और जो ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वे एक पेपर के ऊपर ड्राफ्टेड होते हैं, जबकि ई कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं डिजिटली ड्राफ्टेड होते हैं। और ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर पार्टीज फिजिकली होनी चाहिए अवेलेबल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, जबकि ई कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर कोई भी ऐसी ज़रूरत नहीं होती है। जो ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वे काफ़ी हैवी ट्रांजेक्शन कॉस्ट लेते हैं, जबकि ई कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वे लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट लेते हैं। और ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट्स के जो होते हैं टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, जबकि ई कॉन्ट्रैक्ट्स टाइम सेविंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट्स लेस सिक्योर होते हैं, जबकि ई कॉन्ट्रैक्ट्स हाईली सिक्योर होते हैं।